हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड 50 ऑफ कैप्स। जैसा आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा सकता है कि अगर आज आप अपने वर्जन 1.0 में हैं तो कैसे आप अपने आप को अपने वर्जन 2.0 में ले जा सकते हैं। आपका वर्जन 2.0 हर स्टेट में, हर एबिलिटी में आपके वर्जन 1.0 से रिलेटिवली बेटर होगा। सो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करना, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेज पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि आज आप किसी ना किसी एबिलिटी में या किसी ना किसी एट्रीब्यूट में अपने पुराने वर्जन से बेटर हैं। और जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो चाहे वो पढ़ाई की बात हो, प्रोफेशन की बात हो, या किसी भी फील्ड के किसी चैलेंज की बात हो, आप टेकअप करने में घबराते नहीं हैं या उस एनर्जी के साथ किसी भी चैलेंज को लेते हैं कि हम अपना पूरा दम लगा के इसको टेकअप करके दिखाएंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। हमने कई बार आपको बताया, रिजल्ट की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको पूरी एनर्जी इस तरीके से किसी भी टास्क पे लगानी चाहिए कि टास्क कंप्लीट होने पे ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये कमी छोड़ी थी। और माय डियर स्टूडेंट, यही फॉर्मूला होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। सो आने वाले टाइम के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कुछ डेली हैबिट्स बनाएं। कैप्स में हमारा फोकस भी रहता है स्टूडेंट्स को ऐसी छोटी छोटी पिन पॉइंटेड बातें बताएं जिनको आप प्रैक्टिकली फॉलो करके अपने अंदर चेंज फील कर सकते हैं। हर दिन हमारे पास ऑलमोस्ट अब 150 to 200 मेल्स आने लगे हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने पॉजिटिव फीडबैक्स देते हैं कि इस एपिसोड से ये फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि पुराने जितने भी कैप्स के एपिसोड थे, हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा। सो मेरा एक मैसेज इस एपिसोड में आप सबको यही है कि हर दिन कुछ ऐसा कीजिए कि रात को सोने से पहले आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, एटलीस्ट एक वजह होनी चाहिए जब आप ये कह सकें कि आज दिन भर में मैंने अपने आप को थोड़ा सा बेटर स्टेज पे लिया है, एक इस लेवल पे लेके आया हूँ ताकि कंपेयर टू प्रीवियस स्टेज ऑफ माइंड मैं पहले से बेटर हूँ। या ये कहें कि एक पर्टिकुलर फैक्टर में मैंने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक तरीका मैं भी आपको बता देता हूँ। दिवाली का टाइम आ रहा है, जब आपके पास कोई एकेडमिक प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन इस टाइम में अपने आप को इस तरह से बिल्ड करें, एक छोटा सा रेजोल्यूशन है जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है, और वो रेजोल्यूशन है ऑनेस्टी एंड लाइज। हम सब कहीं ना कहीं अपने आप से कुछ जगहों पे ईमानदारी नहीं बरतते या छोटे छोटे कई बार झूठ बोल देते हैं, चाहे वो मम्मी पापा से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या अपने टीचर से रिलेटेड हो, या फ्रेंड से ही रिलेटेड हो। तो एक छोटा सा रेजोल्यूशन लीजिए कि जब भी आप अपने फ्रेंड से, मम्मी पापा से, टीचर से, भाई बहनों से या अपने आप से बात करेंगे तो सिर्फ सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपने इस छोटी सी चीज़ को आने वाले 3 या 4 दिन फॉलो कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली का माहौल है तो आप कई बार कई नए लोगों से मिलेंगे, फैमिली गेट टुगेदर्स होंगे, इवेंट्स होंगे, सो कोशिश ये कीजिए कि आप झूठ से बचें और अपने आप से ईमानदार रहें। यानी जो कुछ भी आपने सोचा है अगर आप वो पूरा करते हैं तो ऑनेस्टली अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अगर नहीं कर पाते तो अपनी गलती ढूंढिए, वही ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ में सच बोलने से आपका काम हो जाता है। ईमानदारी यही है कि अगर आपने कुछ सोचा है, अपने आप को कमिट किया है, किसी और को कमिट किया, उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे, और नहीं होता है तो हम अपोलोजाइज करेंगे। चाहे वो किसी और का कमिटमेंट आपने फुलफिल नहीं किया तो सामने वाले को अपोलोजाइज कीजिए, अपने आप से जो कमिटमेंट किया वो पूरा नहीं किया तो अपने आप को अपोलोजाइज करिए, साथ में अपनी गलती जरूर ढूंढिए। अगर कमिटमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं तो किस वजह से ये नहीं कर पाए, और कोशिश कीजिए उस गलती को लिखिए एक डायरी में, अपनी मिस्टेक्स डायरी, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, अपनी जो मिस्टेक डायरी है उसके अंदर मिस्टेक्स लिखिए और उनको पढ़ते रहिए। आप अपने आप को डेवलप कर लेंगे और इस हैबिट को कंटिन्यू करते रहिए हर चीज़ में, चाहे आपकी मेमोरी हो, चाहे आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी हो, चाहे आपकी थिंकिंग या रिकलेक्शन एबिलिटी हो, या कुछ रीड करते हुए रिटेंशन एबिलिटी हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, हर तरह की एबिलिटी आप ये मान के लिए आपके कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेगी। और बहुत जल्दी अगर सिर्फ ये बातें आप दिमाग में रखते हैं तो अपने नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म होंगे और आपका वर्जन आपको हेल्प करेगा ना सिर्फ आपकी एग्जामिनेशन सक्सेस में, बल्कि आप किसी भी डोमेन में जाएंगे, हर डोमेन के अंदर आपकी प्रोफेशनल सक्सेस में भी आपका नया वर्जन आपको हेल्प करेगा। और ये जो नए वर्जन की हम बात कर रहे हैं, वर्जन 2.0, ये प्रैक्टिकली कभी खत्म नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता। अगर आज आप वर्जन 1.0 में है तो आपको एफर्ट्स लगाने हैं कल 2.0 में जाने में, और जब वो कल आएगा तो वो आपके आज का वर्जन 1.0 होगा। यानी हर दिन हमें कोशिश करनी है, जब तक हम एकेडमिक, प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ में जुड़े हुए हैं, या ये कहूँ जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी हैबिट में होना चाहिए कि हम हर दिन अपने कल के वर्जन 1.0 से बेटर वर्जन में ट्रांसफॉर्म होंगे। और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसे हैं कि अगर आप एनर्जेटिकली अपने आप में
कंटेंडेड फील करना शुरू करते हैं कि हाँ मैं इस ट्रैक पे हूं, तो आप ये मान के चलिए कभी किसी तरह का स्ट्रेस आपको छू भी नहीं पाएगा और बहुत कंफर्ट एनवायरनमेंट में आप अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। बस जो मैंने कहा, किसी भी एग्जाम को देना है, कोई भी टास्क कंप्लीट करना है, अपनी पूरी एनर्जी और ताकत से देना है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि उस एग्जाम को फोड़ के दिखाना है, फोड़ तो आप वैसे ही दोगे लाइफ में, हर चीज करियर को बना के दिखा दोगे, लेकिन हर एग्जाम हर टास्क को कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएं कि हाँ ये मेरा नया बेटर वर्जन निकल के आया इस एग्जाम को देने से, इस टास्क को कंप्लीट करने से मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। चाहे उस एग्जाम का या टास्क का आउटकम रिजल्ट कुछ भी हो, आप मान के चलिए लाइफ में आप कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे और बहुत स्ट्रांग लेवल पर आगे बढ़ पाएंगे। सो एट दिस मोमेंट ऑफ फेस्टिव एनवायरमेंट आई वुड लाइक टू से अ वेरी हैप्पी, सेफ एंड प्रॉस्पीरियस दिवाली टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। विश यू ऑल वेरी बेस्ट।